I am most wanted. Tan 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 tan. Sabse zada. Tan 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 tan. Most wanted, Munda. अरे गिरा क्यों दिया? अरे वो देख, रिमोट पड़ा है रास्ते पर। साइकिल घुमाता नहीं तो टूट जाता। तो चढ़ा देता उस पर। कोई माउंट एवरेस्ट है क्या? हम तो भैंस पे साइकिल चढ़ा देते। ये रिमोट क्या चीज है? अरे कहीं काम का हुआ तो चेक तो करे। अजीब रिमोट है ये। दिखा, मैं देखता हूँ। देखा क्या चीज है ये रिमोट? चल एक बार और करता हूँ। अरे नहीं, चक्कर आ रहा है। हाँ? अरे अब की बार तो हम नॉर्मल थे और आजू बाजू का सब गड़बड़ हो रहा था। हाँ, हमने हाथ जो पकड़े थे। लल्लनटॉप, ये तो दुनिया का रिमोट है। हाँ, अब सारी दुनिया हमारी मुट्ठी में। मुट्ठी में नहीं, हमारी जेब में। अपना 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 स्कूल, सब से प्यारा। निकाल दे रिमोट और कर दे फास्ट फॉरवर्ड। पहले हाथ पकड़ मेरा। अरे क्लास के लिए लेट हो गए। भाग बद्री। तो बताओ ये लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड क्या होता है? आज भी लेट। चलो बन जाओ वही जो रोज बनते हो। उर्गा। अरे कहाँ गए ये दोनों? तुम दोनों तो इधर थे ना? हम अपनी आँखों से देखा था। हम तो इधर ही थे सर, अपनी सीट पर। अच्छा ठीक है, तो बताओ व्हाट इज लैटिट्यूड एंड व्हाट इज लॉन्जिट्यूड? चल जल्दी से आंसर देखते। आंसर मिल नहीं रहा। अरे मैथ्स का नहीं, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। हाँ अब प्ले कर सर। तुम दोनों को पता है जवाब? ठीक है तो बताओ। हाँ? ये है जीनियस। आज का हो गया इन दोनों को? एकदम से आइंस्टाइन कैसे बन गए? तुमने क्लास में ताले अंतर दे दिए, मगर लेट में क्या करोगे? यहाँ तो मैं बताऊंगा। और अगर हम जीत गए तो? तुम मुझको लाओगे? ठीक है, अगर मुझे हला दिया तो क्या? तो तू पेड़ से उल्टा लटकेगा पूरे लंच टाइम में। ठीक, लग गई थल। सब तैयार? एक दो तीन। कर दे पॉज, फिर करते हैं जीवा को टॉस। मैं जीत गया। जीत गया? पगला गए हो का? अरे उल्टा काहे भाग के आ गए? फिनिश लाइन तो उस तरफ है। ये कैसे हो गया? कुत्ता गलबल है। <आ? laughs>
मम्मी। अरे देखो जीवा जूता खा रहा है। तो गलबल है, दलूल बदली और भूत कुछ कर ले, पता लगाना पड़ेगा। अब किसको उल्लू बनाए पार्टनर? वो देख करण गेम खेल रहा है। अरे वो क्या है? अरे अरे मेरा गेम तुम्हारे पास कैसे आया? तूने ही तो दिया है करण। हमने तुझे इसके 10 रुपए भी दिए, इसका रेंट। हाँ हाँ पॉकेट चेक कर। अच्छा तो बुध के पॉकेट में 2 भी तीन है, उठके उधर थे ये तो बोला है। वो हमारा रिमोट है। आहा रिमोट अब मेला है। अरे झगड़ा क्यों कर रहे हो तुम सब? तुम अभी अभी झगड़ा कर रहे थे क्या? नहीं सर। अरे ये क्या है? सर ये हमारा है। नहीं तो मेला है। तो तुम तीनों सच में झगड़ा कर रहे थे? पता है ना स्कूल में गैजेट अलाउड नहीं है, अब ये मेरा है, आखिर प्रिंसिपल है हम। हमारा छोड़ दे जीवा, अब ये मेला है। अरे ये क्या किया? मेरी ट्रॉफी! तुम तीनों को स्कूल से सस्पेंड? नहीं मुझे सस्पेंड नहीं होना। अरे कुछ करो जल्दी। अरे ये क्या हो गया? सब कहाँ गए? तुम दोनों ने दुनिया डिलीट कर दी। वापस लाओ उसे। अरे ये तो कुछ नहीं होला मम्मी। अब क्या होगा? मुझे तो बहुत भूख भी लग रही है, कुछ खाना है मुझे। ये कहाँ फंस गए? ये रिमोट भी नहीं चल रहा। मुझे मम्मी की याद आ रही है। मुझे तो दुबे सर की क्लास भी अच्छी लग रही है इस समय। मुझे भूख लग रही है, अगर खाना नहीं मिला तो कुछ भी खा जाऊंगा मैं। पराठा। नहीं नहीं मुझे मत खाना। कोई तो रास्ता होगा। ये क्या बटन है, इसको दबाता हूँ। तुम तीनों को स्कूल से सस्पेंड करता हूँ, आखिर प्रिंसिपल है हम। आप मेरे सबसे फेवरेट टीचर हैं सर। हाँ सर आप सिर्फ मेरे टीचर नहीं मेरे दोस्त भी हैं। और आप तो मेरे लिए मेरी मम्मी जितने प्यारे हो तल। अरे अरे क्या हुआ छोरो? अच्छा अच्छा चलो माफ किया, जाओ चलो अब अपनी क्लास में जाओ। तो बताओ बाटी अरे क्या हुआ तुम तीनों को इतना इमोशन? आई लव यू दुबे सर। आई लव यू टू दुबे थल। आई लव यू 3 दुबे सर। अरे बस कर पगले, अब रुलाएगा। तो पक्का फेंक दूं इसे पानी में? हाँ हाँ फेंक दे। सच में फेंक दूं इसे? जल्दी फेंक दे।
बुध, अगर हम वापस नहीं आते तो तू मुझे थत में खाने वाला था। हाँ, मैं तो खाने ही वाला था, लेकिन सॉस नहीं थी ना, इसलिए बच गया तू। पर अगली बार तो कच्चा ही खा जाऊंगा तुझे। वाह, क्या व्यू है। व्यू नहीं बदरी, यूवी होता है, UVWXYZ। अरे व्यू मतलब नजारा बुद्धू, क्या नजारे दिख रहे हैं। बुद्ध, ये बड़ी अजीब है, इसमें से देखो तो कुछ और ही दिखता है। ये तो बिल्कुल हमारे जैसी है बदरी, हमारी शक्ल पे कुछ और दिमाग में कुछ और चल रहा होता है। ये क्या चक्कर है, क्या हुआ पार्टनर, कुछ तो गड़बड़ है। देख, जब मैं इसमें से देखता हूँ तो ये दिखाता है कि तू फुटपाथ पे चलते हुए केले के छिलके पे गिर गया है, मगर तू तो ठीक ठाक मेरे साथ चल रहा है। रे मर गया रे, ये केले का छिलका किसने फेंका यहाँ। अरे यही तो मैंने देखा था बुध, मगर ऐसे कैसे, मुझे दिखा, क्या दिखता है इसके अंदर, ये क्या है? हाँ? क्या हुआ, पानी पानी, हाँ प्यास तो मुझे भी लग रही है, चल जल्दी स्कूल के अंदर चलते हैं। अरे पार्टनर, मैंने अभी यही देखा था इसमें कि तुझ पे किसी ने पानी डाल दिया। अच्छा पार्टनर, लगता है ये जादुई है, इसमें से अगर किसी को देखो तो ये उसके साथ क्या होने वाला है वो दिखाता है, मतलब कि फ्यूचर दिखाता है। ये तूने कहाँ से लिया? अरे लिया नहीं, मिला, सुबह घर से निकला तो किसी ने ये फेंक दिया तो मैंने उठा लिया। इससे तो हम स्कूल में सबका फ्यूचर जान सकते हैं और बता सकते हैं किसका फ्यूचर है ब्राइट। राइट ललंटा। अरे पार्टनर देख, दुबे जी गिर रहे हैं। हाँ यार, तूने कुर्सी पे बैठने के लिए मना कर। सर आप प्लीज बैठिए मत। हाँ क्यों, तुम हमको पनिशमेंट दे रहे हो का? हाँ? नहीं सर, वहाँ उस कुर्सी पे मत बैठिए सर। तो क्या तुम मेरे सिर पे बैठे हैं? किसका हिम्मत है जो हमें यहाँ बैठने से रोके। अरे हमरा कमर तोड़ दिया रे, तुमरा किया धरा है ना बद्री बुद्ध। नहीं सर, हम तो आपको मना कर रहे थे बैठने के लिए। काहे? क्योंकि हमें पता था कुर्सी टूटने वाली है। बदमाश, ये तुम दोनों का ही करतूत है, जाओ क्लास के बाहर जाकर मुर्गा बनाओ। पार्टनर मुझे भी देना। अरे इसमें ये ज्ञान कहाँ से आ गया? ज्ञान? हाँ, वो भी साइंस लैब में कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है। अरे बाप रे, धमाका! ज्ञान तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं टॉयलेट गया था, अभी अगली क्लास का टाइम हो गया है, आज साइंस का प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल नहीं, ब्लास्ट। अरे चल चले फास्ट। यार पार्टनर, ज्ञान के साथ एक्सीडेंट होने वाला है, हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। ज्ञान सुन जरा। सुन नहीं बुध, देख जरा मैं क्या नया एक्सपेरिमेंट करने जा रहा हूँ, केमिस्ट्री में बड़ा नाम होगा मेरा। तू एक्सपेरिमेंट बाद में करना,
अभी देख हमारे पास क्या है। तू देखना ये स्पेशल है। ज्ञान कुछ एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा था, अगर मैं वो कर दूँ तो मेरा नाम हो जाएगा क्लास में। देखा ज्ञान, हमने तुझे बचा लिया। थैंक यू दोस्तों। मेंशन नॉट एज वी आर ललंटा। मैं आज जल्दी में टिफिन लाना ही भूल गया, बड़ी भूख लगी है। और मेरा तो सुबह पानी से सारा खाना खराब हो गया। चलो और कुछ नहीं तो टाइम पास करते हैं। भूख से तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? हंस क्यों रहा है? वो देख राठी सर, मैंने ना छत से एक खपरेल गिरते देखा है। बड़े जोर से उनको लगी और वो धड़ाम से नीचे गिरे। पार्टनर, लंच का इंतजाम हो गया। ला 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 ला। अरे छोरो, तुमने मेरी जान बचाई, याद रखेंगे हम, क्योंकि प्रिंसिपल है हम। बोलो क्या चाहिए? इन बच्चों को जो मांगे दे देना और मारे बिल में डाल देना। बिल्कुल जोकर लग रहा है तू। मेरी मम्मी भी यही कहती है, बेटा बुद्ध जोकर दिल से कर। पार्टनर बड़ी गड़बड़ है यार। गड़बड़ तो हमारी बेस्ट फ्रेंड है, हमेशा हमारे साथ ही रहती है। मजाक मत कर इससे, मुझे देख। अरे यार, मैं वहाँ छत से लटक रहा हूँ और तुझे हंसी आ रही है। तू छत से तो तब लटकेगा ना जब छत पे जाएगा, यही मजे कर। गांधी जी के तीन बंदरों, क्या हुआ इतना क्यों उछल रहे हो? काइट, काइट, काइट। हाँ वो देखो वहाँ उड़ रहा है। ये तो बड़ी सुंदर है। हाँ बड़ी भी और सुंदर भी। ये तो मुझे चाहिए। नहीं ये मैं लूंगा। जो इसे पहले छुएगा ये उसकी। बद्री तू भूल गया, ऊपर छत पे मत जा। सुन बद्री। बचाओ मुझे, बचाओ बुद्ध, मुझे बचाओ। अरे हमारे स्कूल के छोरे जिमनास्टिक करने लग गए से। वाह वाह वाह। सर वो बद्री है और वो जिमनास्टिक नहीं कर रहा है, बल्कि छत से उसका पाँव फिसल गया है, उसे बचाइए। अरे मत करो चिंता, तुम प्रिंसिपल है हम। दुबे जाकर बद्री को बचाइए। सर हमरा तो पाँव में मोच आया है। पटेल जा बद्री को बचाओ। सर मने ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम छे, मैं पाटिल को बोलू छू। अब मन नहीं दिखाना पड़ेगा अपना दम, क्योंकि प्रिंसिपल है हम। ये ले मेरा हाथ पकड़ ले पत्री, पकड़ पकड़ पकड़। अरे बाप रे। सर बच गए, राठी सर बच गए।
हमें पहले ही पता था आपको कुछ नहीं होगा। हमने आपका फ्यूचर पहले ही देख लिया था। फ्यूचर मैंने भी तुम दोनों का फ्यूचर देखा है, बहुत ब्राइट है। यार बद्री, हमने तो राठी सर की जान बचाई, फिर उन्होंने हमें मुर्गा क्यों बनाया? मुझे लगता है राठी सर को घर में नॉनवेज खाना नहीं मिलता है, इसीलिए वो हमें ही मुर्गा बना के खुश होते रहते हैं। अरे वाह, चल प्लेन को थोड़ा स्कूल की सैर कराते हैं। हो गया प्लेन क्रैश, और अब हमारी क्रैश होने की बारी है। ओए, तुम दोनों कभी नहीं सुधरोगे। अरे ये स्कूल है, एयरपोर्ट नहीं, जहाँ तुम दोनों प्लेन उड़ा रहे हो। लेकिन सर, ये असली प्लेन नहीं, खिलौने वाला प्लेन है। अच्छा ब्रा, अब तुम हमको सिखाओगे? अरे क्या हुआ दुबे जी, कॉरिडोर में ही क्लास लेनी शुरू कर दी? सर, ये दोनों क्लास में कम और बाहर ज्यादा होते हैं ना, इसीलिए इनकी क्लास बाहर ही लेनी पड़ती है। अरे भाई, लेकिन हुआ क्या है? सर, ये दोनों स्कूल में प्लेन उड़ा रहे थे। सर, क्योंकि हम नहीं उड़ सकते है ना, इसलिए सोचा कि प्लेन ही उड़ा ले। किसने कहा तुम उड़ नहीं सकते? अरे सर, ये तो पहले ही सारे स्कूल में उड़े उड़े फिरते हैं, इन्हें और मत उड़ाइए। एक मिनट रुकिए दुबे जी, तुम लोगों को हवा में उड़ना है ना, तो हम उड़ाएंगे। अब पता चलेगा तुम दोनों को, हम तो तुम दोनों को सिर्फ मुर्गा बनाते थे, लेकिन सर तुम्हें कबूतर बनाएंगे। ये देखो लेटर, अपने स्कूल के बच्चों को राजधानी जाना है 26 जनवरी की परेड के लिए। तो अब आप सबसे अच्छी फ्लाइट के टिकट्स बुक करा दीजिए। हाँ हाँ सर, करा देंगे, लेकिन बहुत महंगे वाले टिकट मत निकालना। हा? जरा स्कूल के बजट का भी ध्यान रखो, समझे? आज जी सर, समझ गए। कितना बड़ा प्लेन है ये, और सबसे फास्ट भी। ये दुनिया का बेस्ट प्लेन है। मैंने सुना है प्लेन में सबको आइसक्रीम, चॉकलेट्स, बर्गर, जो भी खाना चाहे वो देते हैं। मेरे लिए ये कोई नई बात नहीं है, मैं तो हमेशा ही प्लेन से आता जाता हूँ। लेकिन हमारे लिए है, मैं पहली बार बैठूंगा प्लेन में। जीवा अगर प्लेन में बैठेगा तो इसके वजन से प्लेन उड़ेगा ही नहीं। अरे जल्दी जल्दी चलो, प्लेन टेक ऑफ होने का टाइम हो गया है। अरे ये कहाँ ले जा रहे हैं हमें? अरे बॉस रुक, हमारा प्लेन पीछे गया। ये कौन सा प्लेन है दुबे? सर, ये हमारा प्लेन है। ये खटारा, अरे कोई अच्छा प्लेन नहीं मिला क्या? सर, आप ही ने तो कहा था कि बजट का ध्यान रखना, और हमारे बजट में यही आया। कितनी गंदी स्मेल आ रही है। इतने तो अति हमारी स्कूल बस है, जिसके सिर्फ टायर फटे हुए हैं, सीट नहीं। दुबे जी, लगता है आपने फ्लाइट की जगह भैंसों का तबेला बुक कर दिया। सर बजट बजट, ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, इस खटारे में ही जबरदस्ती बैठना पड़ेगा। बच्चों चलो अपनी अपनी सीट पे बैठ जाओ। मुझे विंडो सीट मिल गई। Ha 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 ha!
वेलकम टू खटपट एयरलाइंस। खटपट एयरलाइंस में आपका स्वागत है। विमान उड़ान भरने के लिए तैयार है, कृपया अपनी अपनी सीट पर बैठ जाइए। अरे विमान उड़ान भरने के लिए तैयार है और हमने अब तक सीट बेल्ट नहीं बांधी, तो चल जल्दी से बांध। अरे यहाँ बेल्ट नहीं, रस्सी रखी है। अरे ये प्लेन है या बस? कब से रोड पे चल रहा है? लगता है ये जमीन पर चलने वाला प्लेन है, उड़ने वाला नहीं। दुबे जी, ये प्लेन तो टेक ऑफ ही नहीं कर रहा है। क्या करे सर, इतना पैसा में इतना ही उड़ेगा ना। लगता है पायलट प्लेन को उड़ाना भूल गया। मर गए रे। लगता है रास्ता ठीक नहीं है। तूबे जी, कहाँ फंसा दिया आपने? बच्चे डर रहे हैं। सर बच्चे नहीं, हम भी डर रहा हूँ। लगता है हमारा प्लेन किसी पेड़ से टकराया है और ये बंदर उसी पेड़ पे बैठा होगा। उबे जी, आपने हम लोगों के साथ साथ इस बंदर का भी टिकट बुक किया था क्या? नहीं सर, पता नहीं ये बंदर कैसे आ गया प्लेन के अंदर। अरे कुछ करो उबे जी, एयर हॉस्टेस को बुलाओ। सर कोई नहीं आ रहा है। जाइए, जाके कैप्टन से बात कीजिए। सर, सर, प्लेन में कैप्टन नहीं है। क्या? तो क्या प्लेन बंदर उड़ा रहा था? अब पता नहीं सर, लेकिन कैबिन में कोई नहीं है। बचाओ, बचाओ। एनिमल कार्गो मतलब? अरे मतलब जानवरों को ले जाने वाला प्लेन है ये। ये तो सच में कोई कैप्टन नहीं है। अरे प्लेन तो उल्टा हो रहा है। अरे इससे तो कुछ नहीं हो रहा है। कहीं बद्री और बुध प्लेन तो नहीं उड़ा रहे हैं? अरे वो लोग एक मक्की नहीं उड़ा पाते, प्लेन क्या उड़ाएंगे। हेलो 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 हेल्प हेल्प। नमस्कार, खटपट एयरलाइंस का ये झटपट इमरजेंसी कक्ष है, बताइए मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ? अरे इमरजेंसी कक्ष में बैठे हैं आप, अपनी बात में तो थोड़ी सी इमरजेंसी दिखाइए। कहाँ से बोल रहे हैं आप? बिना पायलट उड़ रहे प्लेन से। बिना पायलट से उड़ रहे प्लेन में बैठना बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है, इसमें प्लेन क्रैश होने की भी संभावना होती है। अरे हमें भाषण नहीं, हेल्प चाहिए, बताइए अब हम क्या करें? अरे आगे पहाड़ है। अरे कुछ कर। मुसीबत में, प्लेन में बंदर और नीचे समंदर, हमें बचाइए। प्लेन में बंदर कैसे आ गया? हमें क्या पता। अब समझा, आप लोग जिस विमान में सवार हो वो पैसेंजर प्लेन नहीं जानवरों का प्लेन है।
हाँ पता है, लेकिन बंदर कैसे पायलट बन गया? ये प्लेन पायलट के बैठने से पहले ही उस बंदर की वजह से टेक ऑफ हो गया था। अरे हमें ये बताओ कि हम इसकी लैंडिंग कैसे करें? हेलो हेलो, यार ये फोन भी कट गया, अब हम लैंडिंग कैसे करेंगे? अगर टेक ऑफ बंदर ने किया है तो लैंडिंग भी वही करेगा। बत, 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 अब तो यहाँ से निकलने के लिए कोई दूसरा प्लेन लगेगा। अरे अब कोई प्लेन नहीं चाहिए, अब हम ट्रेन से जाएंगे, बस से जाएंगे, बैलगाड़ी से जाएंगे, और अगर वो भी नहीं मिली तो पैदल जाएंगे, लेकिन प्लेन नहीं। चलो सब चलना शुरू करो। पार्टनर, वो देख बंदर। कहाँ, किधर किधर? उधर, वो देख। अरे हाँ। अरे बुद्धू संभल के। सॉरी पार्टनर, तू क्यों सॉरी बोल रहा है? गलती मेरी थी। अरे मैं क्या पागल हूँ जो तुझे सॉरी बोलूँ? तूने नहीं बोला तो फिर किसने बोला? मैंने। अरे चिल्ला क्यों रहा है? अरे मत, सॉरी, मैंने तुम्हारा टिफिन खा लिया, भूख लगी थी। ठीक है, कोई बात नहीं, ये बचा हुआ भी खा लो। अरे ये क्या किया, मेरा बचा हुआ खाना भी भैंस को दे दिया। थैंक यू। यू आर वेलकम। वेलकम? एक तो मेरा खाना भैंस को खिलाया और ऊपर से वेलकम बोलता है। तुझे थोड़ी वेलकम बोला, वो तो मैंने उस भैंस को बोला। भैंस को? क्यों? क्योंकि उसने मुझे थैंक यू बोला। थैंक यू बोला भैंस ने? पागल हो गया है क्या? अच्छा अब चल, लेट हो रहे हैं। सॉरी। अरे क्या सॉरी, ये कोई पार्टी करने की जगह है क्या? तुम यहाँ के बीच में आ गए। अरे ये टॉयलेट नहीं, साइकिल पार्किंग है। अरे क्या हुआ है तुझे, किससे बात कर रहा है? इस कौए से, और किससे? ओए कौए से बात, तू ठीक तो है ना मेरे दोस्त? बुद, और डांटो इसको, ये किसी की बात नहीं मानता। अरे तुम बीच में मत बोलो। अब तुम दोनों झगड़ा मत करो। पार्टनर, इनकी बातें तुझे सुनाई दे रही हैं? हाँ वही तो बोल रहा हूँ। अरे देख वही बंदर। बंदर बंदर। अरे वो तो भाग गया। बंदर? स्कूल में बंदर? इससे पहले कि दुबे सर उसे बंदर से मुर्गा बना दे, उसे स्कूल से भगा देते हैं। चल। बंदर, मम्मी मुझे बता लो। अरे क्या हुआ जीवा, तू रो क्यों रहा है?
बंदर बंदर मुझे कहाँ जाएगा, मुझे बताओ। लेकिन यहाँ तो कोई बंदर नहीं है। वो देख, वो है बंदर। बंदर भागो। मेरे पास मत आओ, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। तुमने जीवा को क्यों डराया? तू सच में जानवरों से बात कर रहा है? हाँ। अरे वाह, एकदम लल्लंटा। दोस्त, मैं यहाँ किसी को परेशान करने नहीं आया, मैं तो खुद परेशान हूँ। क्यों, क्या हुआ? मेरे पीछे एक सर्कस वाला पड़ा है, मैं उसे छोड़कर यहाँ आया, मुझे बचा लो। बंदर, पकड़ो उसे जल्दी। अरे बाबा, बंदर! बंदर, बंदर, बंदर! भागो, वरना बंदर किसी को नहीं छोड़ेगा। बंदर, बंदर! भागो! बंदर, बंदर, बंदर! अरे क्या हो लिया? क्यों शोर मचा रहे हो? अरे बिंदिया जी, इका मेकअप किया है आज? स्कूल में बहादुर बहादुर आए है और सारा आर्ट रूम उल्टा पुल्टा कर दिया है। ओह, अरे ये तो बड़ी खतरनाक बात है दुबे जी। इससे पहले ये बंदर और तबाही मचाया, पकड़ो इसने। मंकी, बंदर, मंकी दो सो मंकी, उधर पकड़ो उसे। बंदर, बादल तुम उधर जाओ, मैं इधर जाता हूँ। अरे इधर नहीं, उधर। वो उधर है, पकड़ो उसे। बंदर, मारो। बद्री, अपना ये दोस्त प्रॉब्लम में। तो चलो दोस्त की हेल्प करते हैं। अरे रुक, अभी पकड़ लेता हूँ। इस विंडो से जाओ, जल्दी से। पटेल, जल्दी से ताला लगा दे भाई। शाबाश, अब देखते हैं भाग के कहाँ जाएगा। दोस्त, इन्होंने तो बंदर को लॉक कर दिया, अब क्या करें? सबसे बात करनी पड़ेगी। सुनो सब, हमारा दोस्त फंस गया है और हमें उसको बचाना होगा। तुम बताओ क्या प्लान है? सुनो, हम समझ गए। अरे भाई, कैसे सर्कस वाले हो तुम, है? एक बंदर नहीं संभाल सकते। हमें देखो, हम इतने सारे बच्चों को संभालते हैं और साथ में तुम्हारा बंदर भी संभाल लिया। थैंक यू सर। ये लो चाबी, अब जाओ बड़ा बंदर ले जाओ। बच्चू, मुझे फंसाना चाह रहे थे। Thanks, dost. You are most welcome, my friend. बंद, चला। ठीक है बद्री, तू राठी सर को लेके लाइब्रेरी आ। ठीक है दोस्त।
तुम्हारी इतनी हिम्मत के हमारे स्कूल में आके हमारे बच्चों की टांग खींचो? हाँ? अरे तुम बच्चों के साथ ऐसा बर्ताव करते हो तो जानवरों के साथ क्या करते होंगे? वो मेरा बंदर? अरे चुप कर, मुझे बद्री ने सब बता दिया है। सर, इसको पुलिस के हवाले करते हैं। नहीं सर, मुझे माफ कर दो, आज के बाद मैं किसी जानवर को नहीं पकड़ूंगा। थैंक यू दोस्त। यू आर वेलकम। बाय बाय। दोस्त, मुझे भी तेरी तरह जानवरों की भाषा समझनी है। ओह, तो इसके लिए तो तुझे उस भैंस से टकराना पड़ेगा। हाँ चल। पार्टनर, कुछ हुआ? ही हो, ही हो, ही हो। लल्लंटा। और पार्टनर, आज तेरा वॉल्यूम क्यों म्यूट है? आज मैं सैड हूँ दोस्त। अरे वाह, साइकिल तो बड़ी स्पीड में चला रहा है, वेरी गुड। सैड ही रहा कर, स्कूल जल्दी पहुँच जाएंगे। पार्टनर, पर तू सैड क्यों है? जैसे कि तू जानता नहीं, मेगा रोबोट ने आज मुझे सेकंड राउंड में बहुत पीटा। मैं हार गया पार्टनर, मैं हार गया। हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं मेरे दोस्त। तू बाजीगर है पार्टनर, चला और तेज। मैं बाजीगर, मुझ में है जिगर, मैं जीतूंगा मेगा रोबोट को मार कर, और तू है मेरा पार्टनर। पार्टनर, आज तो सबसे जल्दी पहुंच गए हम दोनों, आज तो दुबे सर भी सरप्राइज हो जाएंगे, तबासी देंगे। एकदम लल्लंटा। पार्टनर, इतना सन्नाटा क्यों है? सभी बच्चे नोटबुक में क्या लिख रहे हैं? उत्तरी की होमवर्क, क्या तूने होमवर्क किया है? आज तो दुबे सर हमें नहीं छोड़ेंगे। Why to worry? हम इनका होमवर्क कॉपी कर लेते हैं। हाय मायरा, तुमने अपना होमवर्क फिनिश कर लिया? हाँ। ग्रेट, अपनी नोटबुक दो। पर उससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। हाँ, क्यों नहीं, बोलो क्या करना है? तुम गार्डन से मेरे लिए फ्लावर्स ले आओ, मुझे टियारा बनाना है। बस इतनी सी बात? आओ पार्टनर, जरा गार्डन की सैर कराए। तू मायरा को हर रोज फूल दिया कर, और वो हमें होमवर्क देती रहेगी। ये तो उदास लग रहे हैं। हाँ, माथे पर हाथ, टांगे अकड़ी हुई, ये तो सैडनेस के लक्षण है। क्या आप अनहैप्पी हो, सैड हो? मेरी तबीयत खराब है और वृक्षों को पानी देना है। कृपया हिंदी में बात करें, संस्कृत में नहीं। टिंग टोंग। पेड़, मुझे पेड़ों को पानी देना है और मेरी तबीयत खराब है। होमवर्क से बचने का आइडिया। अंकल, आप आराम कीजिए, पेड़ों को पानी हम देंगे। पर तुम नहीं, नहीं, तुम दोनों क्लास में जाओ। हाँ भाई, तुम दोनों इधर क्या कर रहे हो? चलो अपने बड़ी क्लास में जाओ। सर, हम अंकल की मदद करना चाहते हैं, इनकी तबीयत खराब है। बीमार तो लगा समन है। पर ये हमें मदद करने ही नहीं दे रहे है। ओहो भाई, तुम इन्हें अपनी मदद क्यों नहीं करने दे रहे हो? पहली बार तो दोनों किसी की मदद करना चाहते हैं। जाओ जाओ और आराम करो। अच्छा ठीक है। अब आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, चाहे सारा दिन लग जाए, हमें क्लास मिस ही क्यों ना करनी पड़े, पर हम गार्डन में सभी पेड़ों को पानी दे देंगे। वेरी गुड।
वाह पार्टनर, होमवर्क से बचने का क्या तरीका निकाला। थल बोले दोनों। बुद्धदेव और बद्रीनाथ, तुमने होमवर्क सबमिट क्यों नहीं किया? सर, हमें मिस्टर राठी ने गार्डन की देखभाल का काम दिया है, हम उसमें बिजी हैं। भाई वाह, गार्डन की तो शोभा देखते ही बनती है। गुड जॉब बोथ ऑफ यू टू। हल, इनकी बातों में मत आइए, ये सब बहाने हैं। इन्होंने होमवर्क नहीं किया है। कोई बात नहीं जीवा, इन्होंने गार्डन वर्क तो बहुत अच्छा किया है ना। तुम लगे रहो, होमवर्क कल सबमिट कर देना है। थैंक यू सर, हम तो बस काम करना चाहते हैं, क्लास में या हरी भरी घास में। बत्तू, तुम्हें दे दूंगा। पार्टनर, देखो हमने खेल खेल में गार्डन ठीक कर दिया। यस पार्टनर, मजा आ गया। पार्टनर, हम अपने गार्डन में ना अब किसी को नहीं आने देंगे। हाँ, हमने इतनी मेहनत से इस गार्डन को सुंदर बनाया है, बाकी बच्चे गार्डन में आकर इसे गंदा करेंगे। वो देख, गिलहरी हमारे सुंदर गार्डन में आ रही है। अरे, मुझे गिलहरी से बहुत डर लगता है यार, ये तो मेगा रोबोट जैसी दिखती है। दोस्त, पेड़ पे चढ़ जा, गिलहरी पेड़ पे नहीं चढ़ पाएगी। तू तो बहुत इंटेलिजेंट है दोस्त। वो तो पेड़ पर चढ़ गई हमारे पीछे। ये तो पेड़ पर भी चढ़ सकती है। अब क्या करें यार, वो गिलहरी न जाने कहाँ छुप गई। तू पेड़ के उस तरफ ढूंढ, मैं इधर ढूंढता हूँ। मैं आता हूँ पार्टनर। अरे जल्दी से नीचे चल यार, ये कौवा बहुत ही डेंजरस मूड में है। मैं पहले से ही तुम्हें अकेला छोड़ के नीचे जा रहा हूँ। क्या करे पार्टनर, उस गिलहरी और कौवे ने तो हमारे गार्डन पर कब्जा ही कर लिया है, मुझे उनसे बहुत डर लगता है। कुछ तो करना पड़ेगा, जरा सोचने दे। आइडिया। टिगली, जैसा मैंने कहा है वैसा ही करना। हम वही करेंगे जैसा तुमने कहा है। बुद्धदेव और बद्रीनाथ के गार्डन को मैं तहत नहत कर दूंगा, कितना मजा आएगा तब इन दोनों को दांत पलेगी। जितने की जीवा थे भाई, उतकी हुई हवा टाइट। उधर क्या देख ले हो, काम पर लग जाओ। ओके। मैं स्केयरक्रो की एक आंख बनाऊंगा। पर स्केयरक्रो की तो दो आंखें होती है। अरे काना स्केयरक्रो पार्टनर। काना स्केयरक्रो और डरावना लगेगा। देखना कौवे की ना निकल ही जाएगी डर के मारे। अरे वाह, मजा आ गया। मेले हाथ लोगे तो मजा ही करोगे। अब बस तुम यहाँ खड़े रहना, मैं झाड़ी के पीछे हूँ, ठीक है। हे भगवान, वो क्या है? ओ, कुछ नहीं, ये थकेल क्लो है, इसका काम कौवे को दलाना है। पार्टनर, कहाँ पे है तू? अरे ये तो हिल रहा है। अरे ये कौवा हमला कर रहा है, भागो। What?
भागने वाला खेल क्लो, ये तो बता दे जाओ हमें क्या करना है। भागो बंदर, बंदर भागो, भागो खेल क्लो भागो, भागो कौआ कौआ स्केयरक्रो स्केयरक्रो भागो 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 जल्दी भागो, कौआ कौआ स्केयरक्रो स्केयरक्रो भागो भागो जल्दी भागो। कौन चिल्ला रहा है? भाग क्यों रहा है पार्टनर? भाग बंदरी भाग। अरे कौवा भाग। लगता है कौवा डर के मारे पागल हो गया है। कौवा तो बहुत ही शैतान है यार, और गिलहरी भी। क्या करें दोस्त, चुपके बैठे रहते हैं। करेक्ट, हम कौवे से फाइट करके अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। वो देख, वो रही गिलहरी, छुपे रहे। अरे वो अटैक कर रही है, भाग। राठी सर आंखें धन्य हो जाएंगी गार्डन को देखकर। बच्चों ने क्या काम किया। यो क्या होएगा? बाग में तो कुछ देर पहले फूल खिले थे, वो भी गुलशन गुलशन था। सर ये सब एक गिलहरी और कौवे ने किया है। हाँ सर, मारे सही झूठ बोलो दोनों, है पनिशमेंट मिलेगी, गार्डन में ही मुर्गा बनोगे तुम दोनों। यार गार्डन तो बहुत डेंजरस है। हाँ दोस्त, मेगा रोबोट से भी ज्यादा। देख गिलहरी भाग। युडली युडली ओ यम बम 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 चिक्की रिक्की पापो युडली बुडली पो युडली युडली ओ यम बम 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 बम। पार्टनर क्या हुआ, चोट लगी क्या? अरे नहीं पार्टनर, मैं अपना फेवरेट गाना गा रहा हूँ। तू गाना गा रहा है? और क्या, मैं रोज गाना गाता हूँ सुबह नहाते हुए। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, और अभी साइकिल चलाते हुए। ठंडे ठंडे मौसम में साइकिल चलाना चाहिए। ओ, तो चल मैं भी गाता हूँ। देख छोटे, गाना गाने के लिए दिमाग चाहिए, अकल चाहिए और शक्ल भी चाहिए। ला 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 ला। अरे कौन है, चिल्लाना बंद करो। पार्टनर देख, किसी ने हमारा गाना सुन के हमें तोहफा दिया है। हाँ पार्टनर, हम भी तोहफा कबूल करते हैं। वो घड़ी लेकर आ। लेकिन वो तो टूट गई है। छोटे फिर कर दी ना छोटी बात, एक टूटी हुई घड़ी भी दिन में दो बार सही टाइम बताती है। अच्छा आज का डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछता हूँ। अगर एक रुमाल 5 घंटे में सूखता है तो 5 रुमाल कितना घंटे में सूखेगा? सर जब हम पढ़ाते हैं तो ज्ञान को छोड़कर बाकी सब सोते हो का? बताओ। सर वो तो डिपेंड करता है कि रुमाल दिन में सुखाते हैं या रात में। बारिश में या धूप में। तुम चुप हो जाओ। चलो ज्ञान तुम ही बताओ। सर अगर एक रुमाल को सूखने में 5 घंटे लगते हैं तो 5 को सूखने में भी 5 घंटे लगेंगे, क्योंकि वो है तो 5 रुमाल लेकिन सूख एक साथ ही रहे हैं। और सूरज भी एक है और तार भी एक है और हवा भी। अरे बस 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 बस, काफी है काफी है। इतने देर में तो थाले लुमा थूट जाते। ये है जीनियस। दुनिया भर का स्टाइल आता है लेकिन एक सवाल का जवाब नहीं आता। बंद करो इसे वरना तुम्हारा अलार्म बजा दूंगा। पार्टनर मेरी नींद उड़ गई, अब तो बंद कर दे इसे। अरे मैं क्या करूँ, ये बंद ही नहीं हो रहा है।
लगता है डबल होमवर्क देना ही पड़ेगा। बच्चों एक खुशखबरी है तुम लोगों के लिए, कल हम क्लास में एक म्यूजिक कंपटीशन करेंगे और विनर को एक प्राइज भी मिलेगा। क्या मैम, क्या प्राइज मिलेगा? मेरा स्पेशल घर पे बनाया हुआ ट्रॉफी। लेकिन मैम मुझे सिंगिंग नहीं आती। तो तुम कोई इंस्ट्रूमेंट बजा सकते हो? ओके, मैं पियानो बजाऊंगा और मैं तुम्हारे साथ गाऊंगी। हम एक टीम बनकर जीतेंगे। पार्टनर, ये तो बड़ा अच्छा मौका है। हम साथ साथ गा सकते हैं। सोच, अगर हम जीत गए तो ट्रॉफी हमारी। ला 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 ला। अरे फिर से आ गए परेशान करने। चल। और एक तोहफा। तोहफा कबूल है। क्या बोलता है? लेकिन ये तो टूटा हुआ है। अरे मगर हम तो जुड़े हुए हैं, हम इसे सबका बैंड बजा देंगे। हाँ, सब हमारे इशारों पर नाचेंगे, ताता थैया करेंगे। ताता थैया, ताता थैया, ताता थैया। हाथों में जादू है तेरे। अरे सर से पैर तक जादू हूँ मैं, अब गले का जादू देख। एक मिनट, इसे रिकॉर्ड करेंगे। आज ब्लू है पानी 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 और दिन भी सानी 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 सानी। चल सुनते हैं अपनी फर्स्ट रिकॉर्डिंग। यार पार्टनर, मुझे नहीं पता था कि हमारी आवाज इतनी अच्छी है। अब देखना, कल तो हम ही जीतेंगे। हाँ यार, हम तो टीवी पर सिंगिंग कंपटीशन जीत सकते हैं और फिर फिल्मों में भी गाएंगे। आज ब्लू है पानी 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 पानी, पानी और दिन भी सानी 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 सानी। कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले, छू लेते दिल के तार जो इंडिया वाले, हर जीत छीन के हार से इंडिया वाले। वन टू थ्री फोर डेट ऑन द डांस फ्लोर, बूटी टेक बूटी टेक, डपंकु तल आते को टोल डाल, इतक पितक बाली इतक पितक, दिमी 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 थम्बोल। नेक्स्ट कौन आएगा? लुंगी डांस 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 लुंगी डांस। मूंछो को थोड़ा राउंड घुमा के अन्ना के जैसा चश्मा लगा के की विनर है। तुझे लगता है हम जीत जाएंगे छोटे? गेन और सबीना। लेकिन हमने इनसे अच्छा गाया। एक बार मैंने रिजल्ट अनाउंस कर दिया ना, तो मैं अपने आप कभी नहीं सुनती हूँ। मैडम हम फिर से गाएंगे और जब तक जीत नहीं जाते गाते ही रहेंगे। बोते घुमाने नहीं आती। इतना गंदा गान तुम लोगों को जो करना है करो। आई एम अदमा जी सटकली। अदमा
होनी चाहिए ट्रॉफी। ये लो रखो, पर ये गाना बंद करो। हमें तुम्हारी एक हेल्प चाहिए। हाँ बोलो। कुछ लड़के हैं जो हमें परेशान करते हैं स्कूल के बाद, क्या तुम उनके सामने गाना गाओगे? ताकि वो तुम्हें छोड़कर हमारे फैन बन जाए। नो, ताकि वो वही बेहोश हो जाए तुम्हारा गाना सुन के। नहीं नहीं नहीं, लाइफ में फिर से गाना मत प्लीज। हाँ, अगर हम नहीं गाएंगे तो तुम जीत सकोगी, इसलिए। तुमने इतना बुरा गाया है कि अगर अकेले गाते तो भी सेकंड आते। फिर फर्स्ट कौन आता? ए, हमने अपना गाना रिकॉर्ड करके सुना है, हमें पता है हम कैसा गाते हैं। हमें भी पता है, हमने भी रिकॉर्ड किया है, दोबारा सुन नहीं सकते। दोबारा सुना तो मेरा वॉकमैन फूट जाएगा, इतना बुरा गाया है। अरे के बात में इतना हल्ला मचा रहा क्या है? अरे ये किस बात की ट्रॉफी लिए घूम रहा है रे भाई बद्रीनाथ? ला मन्नत दे। सर, बिंदिया मैडम ने म्यूजिक कॉम्पिटिशन रखा था जो हम जीत गए। स्टूपिडिटी से हमें फैसला कर देते हैं, आखिर प्रिंसिपल है हम। जरा दोबारा गा भाई। सर, मेरा गिटार टूट गया है। गिटार टूट गया? लेकिन कोई बात नहीं, ज्ञान ने हमारा गाना रिकॉर्ड किया है, आप उसे सुन लीजिए। बंद कर इसने, कान खराब होएगा मेरा। बंद कर दे इसने, मेरे सर की धज्जियां उड़ रही है। सब गिटार की गलती है पार्टनर, उसी ने हमारा म्यूजिक बिगाड़ा, वरना टैलेंट तो हम में कूट कूट के भरा है। एकदम टूस टूस के। वैसे मैं सोच रहा था मेगा रोबोट कैसे गाता होगा। हाँ यार, कैसे गाता होगा? लुंगी डांस 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 लुंगी डांस। तुम कितना जगा मजा रहा। अम्मा जी से टकली। अरे फिर आ गया।